हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑक्सी एजुकेशन। आज हम यार एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है एसएल अरोरा। ठीक है, ये आपको मैं प्रिफर तब करूंगा अगर जो है आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आपको सब्जेक्टिव कोई एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए इस बुक से अच्छा कोई बुक नहीं हो सकता है। देखो यार, इसमें जो है मेरे पास थोड़े पुरानी बुक है, ये 11th क्लास के लिए है। ठीक है, 11th क्लास की ये फर्स्ट वॉल्यूम है आपकी, और इसमें आप देख सकते हैं कि यार काफ़ी अच्छी इसकी जो है मोटाई है, मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, और ये सिर्फ फर्स्ट वॉल्यूम है। एनसीईआरटी के मुकाबले यार कम से कम ये पार्ट वन के मुकाबले कम से कम 2 या 3 गुना है, लेकिन इसमें आप देखो कि कंटेंट आपको कितना अच्छा प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट चैप्टर की, तो यहाँ पे पहले आपको मैथमेटिक्स टूल दिए गए हैं, सभी के सभी मैथमेटिक्स टूल, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जैसे ही आपके आने वाले कुछ चैप्टर्स होंगे जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी या अदर कुछ भी काम के लिए। ठीक है, और यार मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी दिए गए हैं, जितना भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स नीड हो सकता है उस सबको यहाँ पे आपको एक साथ अवेलेबल कराया गया है। यहाँ पे आपको देखो डिफरेंशियल कैलकुलस भी यहाँ पे दिया गया है, और आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए यहीं पे मिल जाएंगे। लॉगरिथम के बारे में भी आपको कुछ बताया हुआ है, जैसे कि जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे कि लॉग ए एम एन, अगर ए बेस है आपका और एम एन लिखा है तो आप इसको लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं। ऐसी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इनके कुछ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे गिवन है। इंटीग्रल कैलकुलस, यार इंटीग्रल कैलकुलस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा मैथमेटिक्स टूल में ही। और फिर जब ये पहला आपका चैप्टर है फिजिक्स वर्ल्ड, जनरली इसको कोई पढ़ता नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसके बारे में भी काफ़ी अच्छी इसकी थ्योरी दी गई है हमें। ठीक है, जितना भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में यार यहाँ पे आपको देखो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी, जो कि कंसेप्चुअल बेस होंगे, दैट मीन्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, और फिर आपके को यहाँ पे थोड़े बड़े क्वेश्चंस, जैसे कि आपका जो कि 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और यार गाइडलाइंस, मतलब ये जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। सारी की सारी मैंने जब तक अपना देखा है, जब तक मैंने पढ़ा है इसको, जितना भी पढ़ा है उसमें मुझे जनरली सभी क्वेश्चंस मुझे एनसीईआरटी के यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, और यार अगर आप बाद में फिर भी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी अधूरी है, तो आप बाद में और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जिनके आपको यहाँ पे आंसर अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चंस तो आपके पास अवेलेबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे यार आपका अगर हम कोई चैप्टर एक ढूंढते हैं, जैसे कि आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको पहले तो एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम क्यों पढ़ते हैं और क्या ये ब्रांच अलग क्यों है। ठीक है, मतलब सब कुछ इसका इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से आपको दिया गया है। फिर यार मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन जो है आपकी वो भी आपको यहाँ पे दी गई है, मैंने तो मार्क की हुई है अपनी बुक में, और आपका सब कुछ यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखो जैसे ही आपकी थ्योरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक आपकी थ्योरी एक एंड हो जाती है, एक पार्ट थ्योरी का यहाँ पे एंड हो जाता है, तो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन सब मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी सब्जेक्टिव आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, ये रहे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ये खत्म होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये तो वो हैं जो कि आपको आंसर के साथ यहाँ पे अवेलेबल होंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको आंसर के साथ अवेलेबल होंगे, सिर्फ आंसर के साथ, ये सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल होंगे, मतलब एग्जैक्ट लाइन टू लाइन सॉल्यूशन जो कि आपको बोर्ड्स में लिख के आना है। ठीक है, लेकिन इनके सिर्फ आपको आंसर्स अवेलेबल होंगे, ये प्रैक्टिस के लिए आपकी प्रॉब्लम्स है, ऐसे ही आगे भी आपको ऐसे ही मिलने वाला है। और यार एक बात और है इसमें कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर इसका आंसर निकालते हैं और आपका आंसर मैच नहीं करता है, और अगर मान लो यार बाय चांस कर भी जाता है आपका आंसर मैच, तो क्या होगा, अगर आपको आंसर चेक करना है कि आपका मेथड बिल्कुल सही था या नहीं, तो आप यहाँ पर हिंट्स में चेक भी कर सकते हैं, आपको हिंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस के अवेलेबल होते हैं, अगर कोई छोटा ही क्वेश्चन है उसका यहाँ पर ये हिंट नहीं देंगे, अदरवाइज सभी क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे हिंट मिलने वाले हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, इसमें आपको सिर्फ एवरेज वेलोसिटी के यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, तो इसका देखो एक लाइन का यहाँ पे आंसर था सिर्फ, लेकिन उसको भी यहाँ पे इन्होंने दिया है, उसका भी हिंट इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो ऐसी बात नहीं, ये हिंट भी यहाँ पे देते हैं आपको इस बुक में। फिर देखो यार एक एक्सेलरेशन आपने टॉपिक पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पूरी नॉलेज यहाँ पे आप गेन कर लेंगे, थ्योरी आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ओवरऑल बुक का रिव्यू है, आप जहाँ पे भी जाएंगे इसमें बुक में तो वहीं पे आपको सेम पैटर्न यही मिलेगा। और यार एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल बेस्ड ऑन, मतलब आपका जो मतलब थोड़े बहुत छोटे एग्जाम्पल्स हैं या फिर आपकी जो फॉर्मूले हैं वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, छोटे छोटे से पॉइंट्स में, छोटे छोटे ब्रैकेट्स में, छोटे छोटे बॉक्स में, जैसे कि यहाँ पे देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये आपको दिया गया है, वी ए बी वैक्टर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ऐसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, छोटे छोटे मतलब जो आपके पॉइंट्स है, जो आपके मेन
पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी थ्योरी में, वो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट में मिल भी जाएंगे। और यार एक बात और है इसकी कि यहाँ पे आपको जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, जैसे कि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे तो उसी में आगे हम बात करते हैं, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है तो आपको यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके कंसेप्चुअल बेस होंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कैन द स्पीड ऑफ अ बॉडी बी नेगेटिव, ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में मिलेगा। दैट मीन्स आपके छोटे छोटे यहाँ पे जो कि एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड में, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर इसके बाद यार शॉर्ट आंसर मिलेंगे जो कि थोड़े बड़े हो सकते हैं, 3 मार्क्स में आएंगे या 2 मार्क्स में आएंगे, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद यार यहाँ तक, फिर उसके बाद आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। दैट मीन्स यार इतना तो आपको प्रैक्टिस मटेरियल इसने पहले ही दे दिया है इस बुक में कि जैसे ही आपका कोई एक्सरसाइज खत्म होता है या फिर आप मान लीजिए कोई टॉपिक आपका खत्म होता है तो उसके बाद आप तुरंत एक्सरसाइज पे मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो जिनका सिर्फ आपको हिंट अवेलेबल है, आंसर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद भी यार इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद भी आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अलग से दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर अलग से दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट अलग से दिए गए हैं। फिर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और अगर मैं आगे चलता जाता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कंपटीशन सेक्शन भी मिलेगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं जो है आईआईटी भी क्रैक करूँ साथ ही बोर्ड्स के, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन देखो एक बात है इसमें कि आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ एक आइडिया लग जाएगा बोर्ड्स का लेवल का और आईआईटी के लेवल का। अदरवाइज यार यहाँ पे देखो क्वेश्चंस आईआईटी वाले के सेक्शन में इसके थोड़े कम हैं, कंपटीशन सेक्शन में यहाँ पे थोड़े से आपके क्वेश्चंस कम हैं, ये बात मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी बात ये है क्योंकि आपका जो इसने बोर्ड्स के लिए कंटेंट बनाया था, फिर अगर ये कंपटीशन के लिए भी कंटेंट आता इसी बुक में तो आपकी बुक जो है वो बहुत बड़ी हो जाती, बहुत मोटी ये बुक हो जाती, शायद जो इसका साइज़ है वो दुगना हो जाता इससे। तो इसलिए अच्छा रहा कि इसमें जो है कंपटीशन के आपको कम ही सवाल मिले। आप अगर कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रिव्यू डाल दूंगा कि आपकी कौन सी बुक अच्छी है। लेकिन हाँ, अगर आप बोर्ड्स क्रैक करना चाहते हैं तो बोर्ड्स के लिए यार बिल्कुल 100% सही बुक है, एकदम बहुत बड़ी बुक है, बहुत बड़ी वाली, ठीक है। इससे आपको सब कुछ जो है यहाँ पे मिल जाएगा, सब कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ठीक है यार, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बुक का भी आपके लिए रिव्यू करूँ तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उस बुक का भी रिव्यू यहाँ पे करके दे दूंगा, ठीक है। तो यार ये था रिव्यू एसएल अरोरा का, बाय बाय। और यार एक बात और कि इस बुक का, अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो जिसको भी खरीदनी होगी आप वहां से इसको खरीद सकते हैं।